सो क्रिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड की एक और एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाबर आजम के लिए रोहित शर्मा वो शर्मा जी का लड़का है जिसकी एग्जाम्पल उनके बुरे वक्तों में दी जाती है। 2011 में वर्ल्ड कप मिस करने के बाद अपनी वर्ल्ड कप की जर्नी 2015 में स्टार्ट की और जिसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक सेंचुरी स्कोर करी थी। आज के मैच में शर्मा जी के लड़के ने रिकॉर्ड्स की भरमार कर दी। कैप्टन्स नॉक इसे कहते हैं। अगर आप एक मैच में ना चलें तो दूसरे मैच में कमबैक ऐसे किया जाता है। हमारी टीम को पता नहीं क्या हो जाता है, इतना प्रेशर क्यों ले लेती है। खैर, शर्मा जी के लड़के की बात करें तो भाई आज तो छा गया लड़का। मतलब कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है जो इसने आज ना तोड़ा हो। फास्टेस्ट 100 इन वर्ल्ड कप बाय एन इंडियन बैट्समैन, मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट, मोस्ट नंबर ऑफ हंड्रेड्स इन वर्ल्ड कप ऑल टुगेदर, फास्टेस्ट टू रीच 1000 रन इन वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच में डक पे आउट होने के बाद भाई ने क्या कमबैक किया है यार। मतलब इस तरीके से कहते हैं प्रेशर को हैंडल करना, इस तरीके से कहते हैं फॉर्म में वापसी आना। तो मैच की बात करते हैं तो अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और 63 रन के ऊपर उनकी 3 विकेट्स आउट हो गए थे। खैर, कैप्टन हशमतुल्ला और अजमतुल्ला के दरमियान एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हुई। पार्टनरशिप अच्छी चली रही थी कि 184 रन पे उनकी पार्टनरशिप ब्रेक हो गई। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इंडियन बॉलर्स ने एशिया कप के बाद क्या खाना शुरू कर दिया है। खैर, पाकिस्तान के मैच से लेकर आज तक उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन चल रही है जिसका कोई जवाब नहीं। एशिया कप के फाइनल की बात करें तो 50 रन पे श्रीलंका की टीम को आउट कर देना, ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप के मैच में 199 रन पे बुक कर देना और आज के मैच में अफगानिस्तान की टीम को 272 रन पे रोक लेना। मतलब ये मुझे इंडियन बॉलर्स नहीं लग रहे हैं, इन पे शायद कोई माता आ गई है, शायद ये कह लें आप लोग, माता आ गई है इन लोग के ऊपर, ये लोग अब नहीं रुकने वाले। अफगानिस्तान के टारगेट की बात करें तो अफगानिस्तान ने 272 रन का टारगेट इंडिया को चेस करने के लिए दिया था। तो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि बहुत सारे ट्विटर आतरीज और सोशल मीडिया गुरुज 272 रन के टारगेट को डिफेंसिव टारगेट कह रहे हैं, जबकि सामने इंडिया जैसा जाइंट बैठा है जिसकी बैटिंग 8 नंबर है। इतनी बाइसनेस क्यों? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, दाल में कुछ काला लग रहा है। स्कोरबोर्ड देखकर ही अंदाज़ा हो गया था कि मैच वन साइडेड होने वाला है, जिसकी प्रिडिक्शन मैंने अपनी पिछली वीडियो में की थी। अगर आपको यकीन ना आए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाएं और खुद चेक कर लें। इंडिया ने इनिंग्स आगाज़ किया और उसके बाद बारिश हो गई भाई, रिकॉर्ड्स की बारिश हो गई यार, रिकॉर्ड्स की बारिश। बहुत बेहतरीन पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी ईशान किशन और रोहित शर्मा के दरमियान, लेकिन ईशान किशन एक गलत शॉट खेलते हुए आउट हो गए और पार्टनरशिप बिल्ड नहीं हो सकी, आगे कंटिन्यू नहीं हो सकी। खैर, इंडिया ने बहुत आसानी से 35 ओवर में ये टारगेट चेस कर लिया और मैच जीत कर भी अपने नेट रन रेट को बहुत बेहतर कर लिया है। पाकिस्तान को नेट रन रेट पे बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। अगर वो सिर्फ इस तरीके से मैच जीत रहे तो आगे जाके बहुत मुश्किल का सामना हो सकता है पाकिस्तान के लिए। मगर पूरे मैच का मूवमेंट था ये सीन, अपने ही नाम के पवेलियन से ग्राउंड में एंटर होना और क्राउड के सामने 50 स्कोर करना। व्हाट अ प्राउड मोमेंट फॉर दिस गाय, ही इज अ ट्रीट टू वॉच। मतलब लव यू। हमारे पास है कोई ऐसा एग्जिस्टिंग बैट्समैन जिसका पवेलियन हो, जिसके नाम पे पवेलियन हो? नहीं है, रिटायरमेंट के बाद मिलता है? नहीं मिलता, वो भी नहीं मिलता। जबरदस्त, 24 साल के नवीन उल हक ने ओडीआई करियर से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, जिसकी अनाउंसमेंट उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे की। नवीन उल हक की बात करें तो बांग्लादेश और इंडिया के मैच में क्राउड ने इनके साथ बहुत बुरा सलूक किया और कोहली के नाम की माला जपते हुए सुनाई दिए, जिसको कोहली ने आज के मैच में इंटरफेयर करके क्राउड को शांत कराया। ऐसा कोहली इससे पहले भी कर चुके हैं, जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडिया का मैच हो रहा था और क्राउड जो है वो आई थिंक स्मिथ को चढ़ा रहा था या कोई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर था जो जिसको क्राउड जो है वो चढ़ा रहे थे, और कोहली ने बीच में इंटरफेयर करके जो है वो क्राउड को शांत कराया था।
खैर बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट चाहिए होती है इन सब चीज़ों के लिए, और कोहली ने जिस तरह से अपने आप को बदला है तो बहुत ज़बरदस्त, ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड मतलब ही इज़ अ ट्रीट टू वॉच। खैर दोनों प्लेयर्स ने मैच के बाद पैचअप कर लिया है और फ्रेंडशिप एंडेड विद शादाब एंड नाउ नवीन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड के स्टेटस कोहली ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे लगा दिए हैं, जिसपे शादाब ने तकिए में मुंह देके रोना शुरू कर दिया है। एक बहुत ज़बरदस्त पोस्ट मेरी नज़रों के सामने से गुजरी तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करूं, और वो पोस्ट को जिस तरीके से है कि पाकिस्तान ने 2023 में ODI के फर्स्ट पावर प्ले में एक भी सिक्स हिट नहीं किया है, अगर इतनी 22 सिलेक्शन होगी तो इस तरह तो नाम रोशन होगा ना। कुडोज टू पाकिस्तान टीम, लव यू। खैर अगला मैच बहुत सनसनी होने वाला है या वन साइडेड भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। इन दोनों की राइवलरी बहुत ज़बरदस्त होती है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसे जायंट जो है वो आमने सामने टकराएंगे। अब देखना ये है कि कौन किस पे भारी होता है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं इंशाल्लाह मैच के बाद। थैंक यू।